हेलो फ्रेंड्स, जागृति वेज फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिल और सौंफ वरियारी का मुखवाश। तो आइए देखें उसके लिए क्या क्या लिया है। हमने तिल लिया है और जितना तिल लिया है उतनी ही हमने यहाँ पे ली है वरियारी। और उसमें हम डालेंगे नमक एक एक चम्मच जितना। अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर एक चम्मच, छोटी चम्मच डाला है हमने, और आधा लेमन का जूस डालेंगे। और अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम तिल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा हम पानी मिलाएंगे, एकदम थोड़ा सा। हम सिर्फ हमारे जो तिल है वो गीले हो जाए बस उतना ही पानी हमें डालना है। इसी तरह से हम सौंफ में वरियारी में भी इस तरह से पानी डालेंगे। अभी दोनों को हम ढककर 3 से 4 घंटे तक रख देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद हम देखेंगे, देखो अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अभी हम इसको एक डिश में निकालेंगे और इसे पंखे के नीचे 1-2 घंटे तक रख देंगे ताकि ये बराबर से ड्राई हो जाए, उसमें गीलापन ना रहे। तो देखो ये 2 घंटे के बाद हमारा जो ये तिल और वरियारी जो है वो अच्छी तरह से सूख गई है। अभी हम इसको गैस के ऊपर पैन में रोस्ट कर लेंगे। तो ऑलरेडी हमने गैस पर पैन रख दिया है, गैस को ऑन करके उसमें तिल हम डाल देंगे। अच्छी तरह से एकदम कुरकुरे हो जाए तब तक हम इसको एकदम लो फ्लेम पर सेकेंगे। देखो ये हो चुके हैं हमारे तिल, अभी हम इसको निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम सौंफ को वरियारी को भी सेक लेंगे। एकदम लो फ्लेम पर सेकेंगे क्योंकि ये जो सौंफ है जल जाएगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। देखो ये हो चुका है, अभी अच्छी तरह से सिक चुका है ये। अभी हम इसको भी डिश में निकाल लेंगे और तिल और वरियारी दोनों को हम मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के बाद उसको एयर टाइट कंटेनर में भर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बनाइए आप तिल वरियारी का मुखवाश और अपने अनुभव हमें जागृति वेज फूड पे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।